गणगौर का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर साथ में गीत गाती हैं और पूजन करती हैं। लड़कियां व महिलाएं इस दौरान हंसी ठिठोली करते हुए भी नजर आती हैं, लेकिन कोरोना वायरस के इस दौर में महिलाएं अपने घरों में ही अकेले ही पूजा करती हुई नजर आईं। कुछ स्थानों पर साथ में महिलाएं व लड़कियों ने पूजा की, लेकिन उन्होंने भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दूर दूर बैठकर पूजा की। रजनी तिवारी का कहना है कि वह हर साल अपने घर पर गणगौर रखती हैं और आसपास की कॉलोनी की महिलाएं भी उनके साथ पूजा करने आती हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही घर पर पूजन किया। उन्होंने पूजन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। पूजा को करा जाता है और बांसवाड़े के दिन गंगौर माता बनाई जाती है और उस दिन बड़ी उस दिन घर पर लाते हैं उनको, उनको अच्छे से तैयार करते हैं, सजाते हैं। कुंवारी लड़की और 42 साल की लड़कियां सब लोग इसको खेलते हैं। 16 दिन पूरे होने के बाद बड़ी गंगौर आती है तीज के दिन नवरात्रि के, उस दिन उनकी पूजा अच्छे से करके बायना निकालते हैं, सासू जी को देते हैं, उसके बाद शाम के टाइम इनकी विदा करती है। ये पूजा किस लिए होती है वैसे? ये सुहाग के लिए, पति के लिए होती है और शंकर जी पार्वती जी की शादी। गंगौर बहुत ही उत्साह का त्यौहार होता है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के चलते ये भी हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाया है। घर में गंगौर रखी है और उसके साथ हमने गंगौर की पूजा पूरी विधि विधान से की है, लेकिन इसमें हमने विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा है और थोड़ी दूरी पर बैठकर हमने पूजा करी है ताकि लोगों तक ये संदेश जा सके कि कोरोना वायरस चल रहा है और